रफा में इजरायली सेना को रोकने के लिए हिजबुल्ला ने अब पूरी तरह से इजरायल के खिलाफ जंग छेड़ दी है। हिजबुल्ला हर सेकंड में उत्तरी इजरायल को अपने रॉकेट, ड्रोन और मिसाइलों से दहला रहा है। ये हमले इतने भीषण हैं कि इजरायल फौज को संभालने का मौका तक नहीं मिल रहा है। हालात इतने बदतर हो गए हैं कि जिन इलाकों में हिजबुल्ला के हमले अभी तक नहीं हुए थे, अब वो इलाके भी हिजबुल्ला के हवाई हमलों के धमाकों से गूंज रहे हैं। और अब एक बार फिर से हिजबुल्ला ने एक ही दिन में उत्तरी इसराइल पर 200 से ज्यादा रॉकेट फायर किए हैं। दरअसल 11 जून 2024 इसराइली सेना ने दक्षिणी लेबनान में हिजबुल्ला के सीनियर कमांडर तालिब अब्दुल्ला को मार गिराया था, जिसके बाद से ही हिजबुल्ला बदले की आग में जल रहा था। और यही वजह है कि अब वो इसराइल पर भयानक से भयानक हमले कर रहा है। यहां तक कि इसराइली सेना ने खुद इस बात की पुष्टि की है कि 12 जून 2024 को लेबनान की तरफ से इसराइल पर 250 से ज्यादा रॉकेट दागे गए थे। जिसकी वजह से उत्तरी इसराइल में दर्जन भर सेटलमेंट्स में हवाई हमलों के सायरन तो बजे, साथ ही यहां रह रहे लोगों में अफरा तफरी का माहौल बन गया। हालांकि आईडीएफ का कहना है कि उसने हिजबुल्ला के कई हमलों को इंटरसेप्ट कर लिया था और इनमें से कुछ रॉकेट जमीन पर आ गिरे, जिससे वहां पर आग लग गई। इसराइल का कहना है कि इन हमलों में कोई जान माल का नुकसान नहीं हुआ है। IDF का कहना है कि उसने जवाबी कार्रवाई करते हुए इन हमलों के लॉन्चिंग पैड पर दक्षिणी लेबनान के योरॉन में हमला किया। लेकिन सबसे अहम बात यह है कि जब से हिजबुल्ला का सीनियर कमांडर मारा गया है, तो तब से घायल शेर की तरह और खूंखार हो गया है, क्योंकि IDF ने जिस कमांडर को मार गिराया है वो पश्चिमी सेक्टर की डिवीजन का इंचार्ज था और वो लेबनान और इसराइल बॉर्डर के बीच और लितानी नदी के पास फ्रंट लाइन पर मोर्चा संभाले हुए था। आपको बता दें कि हिजबुल्ला कमांडर तालिब अब्दुल्ला के साथ तीन अन्य लड़ाके भी 11 जून 2024 को मारे गए थे। हालांकि हिजबुल्ला इससे पहले इजरायली सेना को एक बहुत बड़ा झटका दे चुका है। हिजबुल्ला ने इसराइल के हरमेस 900 ड्रोन को 11 जून 2024 को मार गिराया था। हिजबुल्ला ने इस ड्रोन पर जमीन से हवा में वार करने वाली मिसाइल दागी थी और इसी ड्रोन हिजबुल्ला ने इसराइल के एक लड़ाकू जेट पर भी रॉकेट दागा था, जिसकी वजह से IDF के जेट को मैदान छोड़कर भागना पड़ा था। और इस हमले की पुष्टि इजरायली सेना ने भी की थी। IDF ने उस वक्त कहा था कि हिजबुल्ला के हमले में जेट को कोई नुकसान नहीं हुआ है। और इसके बाद IDF ने दक्षिणी लेबनान में एक और हवाई हमला किया था। IDF ने इस हमले को लेकर कहा था कि हिजबुल्ला यहां से उस पर हमले की तैयारी में लगा हुआ था। आपको बता दें कि हिजबुल्ला ने इसी इलाके में 15 रॉकेट दागे थे, जिसमें से कुछ इंटरसेप्ट हो गए थे जबकि कुछ खुले मैदान में जा गिरे थे।